हेलो फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हो 4225 सी BS6 ट्रक है। तो इसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख लिया ये जो गाड़ी है BS6 गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है। तो पहला हम जान लेते हैं जो स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम होता है अक्सर जो नॉर्मली फॉल्ट होता है। सपोज आपका सेल्फ स्टार्टर मोटर एंड जो पंप इंजेक्टर है वो सही है, तो इसमें उसके बाद जो कॉमन फॉल्ट कोड होता है जिसमें रनिंग में बंद हो जाता है, चाहे गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस तरह कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ज्यादा से ज्यादा होता है जो इलेक्ट्रिक लाइन में। तो फ्रेंड्स, हमें BS6 गाड़ी में चाहे BS4 गाड़ी में किसी भी गाड़ी में हो, तो इसमें हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर जो है उससे देख के पता कर लेंगे जो कहाँ फॉल्ट है गाड़ी में, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम के कारण। ओके, तो फ्रेंड्स आप जो BS6 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वहां पर जो 24 वोल्ट बैटरी का जो वोल्टेज दे रखा है, तो बैटरी का वोल्टेज लो हो जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो उसमें पता चलेगा आपका बैटरी जो चार्जिंग पावर है वो सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक पता चलता है जो बैटरी का जो बैठ जाता है, बैटरी का चार्ज नहीं है तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगा, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पर भी जो आप कभी कभी रनिंग में फॉल्ट होता है जो MIL चेक लैम्प एंड स्टॉप लैम्प एंड हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर लैम्प जो है वो जलने लगता है, तो ये तीनों का तीनों जलने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो ECM का जो फ्यूज है ना, उसके कोई किसी भी कारण ECM का फ्यूज करने से और उसका लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से ये मीटर बोर्ड पे चेक लैम्प, MIL लैम्प एंड हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर लैम्प और इसके जो स्टॉप लैम्प है वो जल जाता है, तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये मीटर बोर्ड से पता चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मीटर बोर्ड में सपोज आपका जो चेक लैम्प, MIL लैम्प, स्टॉप लैम्प कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसमें भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें एक वीडियो में बता देंगे कौन सा वायर के कारण ये जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, तो दूसरा वीडियो में हम बता देंगे। तो एक ही वायर है जो मीटर बोर्ड में चेक लैम्प, MIL लैम्प देता है, तो उसमें कैसे उसमें जो कनेक्शन जब नहीं रहता है तो ये चेक लैम्प, MIL लैम्प, स्टॉप लैम्प नहीं जलता है और गाड़ी नहीं स्टार्ट होगा। ये तो हो गया। उसके बाद आप जो मैकेनिकली फॉल्ट जो है, मैकेनिकल फॉल्ट आप कह सकते हो, जो एयर डीजल में एयर लेता है तो तब एक गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। सपोज चलते चलते गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, उस टाइम एयर ले लिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें फिल्टर खोल के डीजल भर के फिट पंप चला के जो हैंड पंप है उसको चला के गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमेशा ये फॉल्ट होता है गाड़ी में स्टार्टिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, और हम इस गाड़ी में जो BS6 का आज का जो गाड़ी है उसमें क्या प्रॉब्लम है हम पटक से देख लेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो BS6 का मीटर है, तो इसमें जो पहले ये जो बैटरी का चार्ज है देख सकते हो फ्रेंड्स, 19 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसीलिए इंजन को घुमा नहीं पा रहा है सेल्फ स्टार्टर मोटर, तो इस गाड़ी में इसी का प्रॉब्लम है। और विजिट वर्कशॉप चेक लैम्प भी चला हुआ है, आप देख सकते हो, वो हम लैपटॉप लगा के देख लेंगे। फ्रेंड्स, हमें दूसरा बैटरी लेके आया, उसके बाद इसको सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने के बाद 24 वोल्ट करके ये गाड़ी स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गया और हम सॉफ्टवेयर कनेक्ट करेंगे, करने के बाद देखेंगे क्या फॉल्ट कोड है। तो फ्रेंड्स,
ये था सिंपल सा फॉल्ट, तो मीटर बोर्ड में देखने मिलेगा जो 24 वोल्ट से नीचे आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स और भी फॉल्ट बताया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और स्टार्टिंग के ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गया, विजिट वर्कशॉप दिखा रहा है, चेकलम जरा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम इसको हम लैपटॉप लगाएंगे, लैपटॉप लगा के देखेंगे क्या करना पड़ेगा। तो रेस कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो फॉल कोड है 5655 एक्टिव है, इसके कारण रिजनरेशन करने से काम बन जाएगा। ओके थैंक्स।